ये चीजें कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, वरना इस पर कोई भी यकीन नहीं करता। दोस्तों, एक डिलीवरी बॉय जब एक पिज्जा की डिलीवरी करने के लिए एक घर पर पहुंचा, तो उस घर से अचानक एक कपड़े पहने हुआ चिंपांजी बाहर आता है। यह चिंपांजी बंदर डिलीवरी बॉय को पैसे देकर पिज्जा ले लेता है। ऐसा अनोखा नजारा देखकर ये आदमी हैरान रह जाता है और डरकर वहां से तुरंत भाग जाता है। कहते हैं ना कि कुत्ते बहुत ही समझदार जानवर होते हैं। अब आप इस छोटे से पपी को ही देख लीजिए। गर्मी लगने की वजह से ये अपने पिंजरे से बाहर आता है और खुद ही पंखे को अपनी तरफ करके फिर से पिंजरे के अंदर चला जाता है, और मालिक अपने कुत्ते की इस हरकतों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, किसी भी देश में ट्रैफिक आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीदरलैंड की एक कंपनी ने एक ऐसी बस बनाई है जो कि पानी के ऊपर भी चल सकती है। यह बस लोगों से भरी होने के बावजूद भी काफ़ी आसानी से पानी पर चलती है, और इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर यह तुरंत पानी में भी जा सकती है। फ्रांस में एक कार रेस के दौरान एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई। रेस के दौरान एक मोड़ पर जब सभी गाड़ियां मुड़ रही थी, तभी अचानक से एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के ऊपर टकरा कर उसके ऊपर चढ़ जाती है। ऐसा अनोखा नज़ारा बहुत ही कम बार हमें देखने को मिलता है, जब एक गाड़ी इस तरीके से दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। दोस्तों, यह वीडियो मुंबई के घाटकोपर का है, जहां पर पार्किंग में खड़ी एक कार बारिश की वजह से रोड के अंदर ही धंस गई और अंदर गिरकर गायब हो गई। लेकिन काफी घंटों बाद जब इस कार को निकालने की कोशिश की, तब जाकर पता चला कि असल में इस पार्किंग के पास में एक कुआं था, जहां पर पानी की वजह से सड़क कमजोर हो गई थी और ये कार उस कुएं में जा गिरी। लेकिन कुछ घंटों की मशक्कत करने के बाद इस कार को बाहर निकाल लिया गया। और दोस्तों, इस कार के डूबने का वीडियो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल भी हुआ। अब दोस्तों देखिए, एक ऐसा चोर जिसने पूरे एटीएम को ही खाली कर दिया। एटीएम से पैसे चुराने के लिए दो आदमी एक एटीएम में आते हैं। इनमें से एक आदमी ध्यान रखता है, वहीं पर दूसरा आदमी एटीएम से पैसे चुराना शुरू करता है। पहले तो यह आदमी एटीएम में अपने कार्ड को स्वाइप करता है और उसके बाद पैसों को एटीएम में एंटर कर देता है। लेकिन इसी के बाद वह एक चाबी की मदद से एटीएम को ही खोल देता है और अंदर से एटीएम के अंदर छिड़कानी कर देता है। और इसी की वजह से उसके पैसे तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उसके अकाउंट से कटते नहीं हैं। अब ये आदमी जोर लगाकर एटीएम के अंदर जितने भी पैसे होते हैं, उन सभी को बाहर निकाल लेता है। दोस्तों, यह दिल दहला देने वाला वीडियो दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल का है, जहां पर वीडियो में दिख रहा शख्स रात के समय में हॉस्पिटल में सो रहे लोगों के पास घूमता हुआ दिखाई देता है। कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद यह शख्स फर्श पर बच्चों को सोता हुआ देख लेता है और फिर उन्हीं में से एक छोटी सी बच्ची को धीरे से वहां पर उठा लेता है। लेकिन तभी सामने से एक आदमी की नज़र इसके ऊपर पड़ जाती है और यह आदमी धीरे से साइड में चला जाता है और छोटी सी बच्ची के ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा डालकर उसे छुपा लेता है और फिर धीरे से हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बच्ची के पिता के कंप्लेंट करने के बाद मात्र कुछ ही घंटों में पुलिस वालों ने कैमरे के रिकॉर्डिंग को चेक किया और उसे हिरासत में ले लिया, जिसके बाद बच्ची भी सुरक्षित बच गई। दोस्तों, अब एक ऐसा शानदार वीडियो जिसमें आप देखेंगे कि आर्मी के जवान एक 20 फुट की ऊंची दीवार पर कैसे चढ़ते हैं। आर्मी के जवानों को सिखाया जाता है कि बिना रस्सी के ऐसे ऊंची दीवारों पर कैसे चढ़ा जाता है। दोस्तों, अमेरिका की आर्मी ने अपने जवानों के लिए मूवीज में दिखाए जाने वाले जेट पैक को असली में बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक जवान इस जेट पैक की मदद से उड़ता हुआ समुद्र के बीच में एक बोट से दूसरी शिप पर चला जाता है। दोस्तों, किसी भी MotoGP बाइक रेस के दौरान बाइक की स्पीड अक्सर ही 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हो जाती है। इतनी ज्यादा स्पीड होने की वजह से रेसर्स को बाइक का हैंडल मोड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, इसीलिए वह घूमने के लिए बाइक को ही नीचे झुका देते हैं।
लेकिन ये रेसर्स कई बार इतनी ज्यादा बाइक को नीचे झुका देते हैं कि देखकर यकीन नहीं होता कि ये लोग गिरे क्यों नहीं। दोस्तों, मर्सिडीज कार कंपनी ने फॉर्मूला वन रेसर्स के साथ मिलकर एक ऐसा रियल स्टंट किया जो देखने में बिल्कुल ही असंभव लगता है। ये रेसर मर्सिडीज कार को इतनी तेजी से चलाते हैं कि वह टनल की छत से होता हुआ पूरी कार रोल करते हुए टनल से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, एक पैराशूट राइड के दौरान एक ऐसी घटना हुई जो कि करोड़ों में सिर्फ एक बार ही हो सकती है। यहाँ पर दो लड़कियां पैराशूट राइड को एंजॉय कर रही थी, तभी सामने बैठी लड़की का चश्मा हवा में उड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि कुछ ही समय बाद वह चश्मा नीचे गिरने की बजाय फिर से उड़कर इस लड़की के पास में वापस आ जाता है। वीडियो में दिख रही ये चीज कोई बहुत बड़ा कांच नहीं है, दरअसल ये बोलिविया में मौजूद एक नमक का तालाब है। यहाँ पर नमक के सूख जाने के बाद नमक की एक मोटी परत बन जाती है, और जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तब नमक के चमकने के कारण ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत बड़ा यहाँ पर कांच रख दिया हो। और दोस्तों, देखने में भी यह एक असली कांच की तरह ही लगता है। अब दोस्तों, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ ऐसा ही एक चोरी का वाकया पाकिस्तान में भी देखने को मिला, जहां पर चार लोग मिलकर एक दुकान में मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं। अब इस दुकान में चोरी करने के लिए एक आदमी दुकानदार का पूरी तरीके से ध्यान बटाने में लग जाता है। वह मोबाइल के कैमरे को टेस्ट करने के लिए दिखाने को कहता है, और वहीं पर इनका एक साथी पीछे से जाकर चुपके से सेल्फ में से दो मोबाइल चोरी कर लेता है। इस बात की भनक दुकान के मालिक को बिल्कुल भी नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही इनका ये काम पूरा हो जाता है, ये चारों लोग बिना मोबाइल खरीदे ही चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। अब दोस्तों, कई चोर तो इससे भी आसान रास्ता अपनाते हैं चोरी करने के लिए। इस वीडियो में एक लड़का मोबाइल की दुकान में एक नया मोबाइल को टेस्ट कर रहा है। वो मोबाइल के फीचर्स को चेक करने के लिए अपने हाथ में लेता है और मोबाइल का कैमरा खोलकर उसे चेक करने लगता है, लेकिन तभी वह सारे मोबाइल के बॉक्स को गिराकर वहां से भाग जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे यह चोर बड़ी आसानी से मोबाइल लेकर दुकान से बाहर भाग जाता है। दुकान के सभी लोग उसके पीछे भागते हैं, लेकिन तब तक वह चोर वहां से भाग चुका होता है। दोस्तों, यह है वो आखिरी वीडियो जिसे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में कुछ लोग अपने घर के बाहर सो रहे हैं, और यहां पर रात के करीब 1 बजे एक आदमी कैमरे में दिखाई देता है जो चुपके से आकर इन लोगों पर नजर डालता है। असल में ये आदमी एक बच्चा चोर है जो कि सो रहे बच्चों को चोरी करने के लिए आता है। अब यह आदमी गली के कोने पर जाकर अपनी साइकिल वाली गाड़ी लेकर आता है और चुपके से बच्चे को उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह बच्चा जाग जाता है और वहां पर सो रही औरतें भी जग जाती है और बच्चे को जल्दी से बचा लेते हैं। और जैसे ही गली के सभी लोग भी उठकर बाहर आते हैं, तब तक वो बच्चा चोर वहां से भाग चुका होता है। लेकिन गनीमत ये रही कि यहाँ पर बच्चा चोरी होने से बच जाता है। तो दोस्तों, रात के समय पर बाहर सोने से पहले इस बात को जरूर ध्यान में रखें।